इसी कड़ी में इसी रास्ते से आने जाने वाले हर व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति आप मास्टर साहब से हम स्वयं पूछेंगे, मास्टर साहब ये माहौल कैसा लग रहा है आपको? आधी तूफान है जो चल रही है चुनावी का, चुनावी का ये बदलाव होने वाला है इस बार। इस बार बदलाव होने बदलाव यानी यानी कि अखिलेश यादव कहाँ है भैया? अखिलेश के नाम ले रहे हैं, कहाँ है, कहाँ दिक्कत है, क्या उनके में खूबियाँ है, इस सरकार में क्या दिक्कतें हैं, क्या कमियाँ थी उनके में कि हम उसका नाम नहीं ले सकते हैं? अरे नाम लीजिए, लेकिन ये सरकार का एक भाई किसको किस चीज का कमी है? कमी उसमें क्या कमी था, जनता ने नकार दिया, उसी तरह से इनके में कमी है, जनता नकार रही है। इस सरकार में क्या कमी है कि जो जनता नहीं, उनके में क्या कमी था वो तो सरकार बता दी, लेकिन लोगों ने बता दिया कि उनके में क्या कमी था तो उनको उतार दिया, लेकिन ये सरकार चल रही है इसमें क्या कमी है आप बताइए? यही कमियां है, वही उसी कमियां को लेकर लोग नकार रहे हैं कि नहीं परिवर्तन करना है तो करना है। राशन मिल रहे हैं, तेल मिल रहे हैं, चना मिल रहा है, देखिए नमक मिल रहा है, अगर कई सामान को बना दिया जाए नमक ना डाला जाए तो फीका हो जाता है, तो लेकिन ये सरकार नमक भी दे रही है। ये बताया दो मंडा हम गेहूँ बोए हैं, गेहूँ अच्छा वैसा जो चल जा रहे हैं, अगर 5 किलो हमको अनाज मिल रहा है उससे हमारा चल जाएगा रोजी रोटी। आपका संकेत किधर है? यूपी सरकार की तरफ की जो मवस्याएं जो गौशाले बने हैं उसमें सुरक्षित पशुएं नहीं है? कहाँ है पशु भैया? आवारा पशुए तो उसमें भी मर रहे हैं, गौशाला में भी मर रहे हैं, जाके देखिए कहाँ व्यवस्था है। आप भैया का संकेत है आवारा पशुओं की तरफ। चलिए अब दूसरे से बात करते हैं भैया से। चाचा हाँ ये देखिए ये भाई साहब भैया ये माहौल चल रहा है यहाँ सुने हैं आप, आपका मत और आपका मन किधर है, किस पार्टी की तरफ? इस समय तो इधर बीजेपी का हवा है। किधर? ये खालिसपुर से और मखने से। अच्छा ये भैया कह रहे हैं खालिसपुर मखना ये इस एरिया के आप हैं। हाँ। एरिया का माहौल जानते हैं? माहौल बीजेपी का हवा टाइट है, इधर चलेगा सीट निकलेगा इधर से। लेकिन और बीजेपी सरकार जो चल रही थी वह कई वादाएं किए हैं लेकिन वादा से पीछे हो गए हैं, क्या कह रहे हैं आप? वादा किससे पीछे कहाँ हुआ है? अरे गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। गड्ढा मुक्त हो रहा है ना, हो रहा है। अब देखिए वहाँ का हुआ है, उद्घाटन हुआ था। हाईवे रोड प्रकाश डाल रहे हैं, हाईवे पर हाईवे एक्सप्रेस वे पर डाल रहे हैं। किसानों का है दुनी कहाँ हुआ? किसानों का है दुनी हो रहा है ना, होगा ना सरकार बनने के बाद होगा। फिर किसानों का आय दुगनी करने के लिए कहे थे, कहाँ हुआ है कोई किसान बता दे? कह रहे हैं की दुगनी आय करने के लिए कह रहे थे, आप क्या कह रहे हैं? दुगनी आगने हो रहा है, कब होगा? अरे सरकार होगा 24 फिर बढ़ेगा ना पैसा वाला, इसमें फिर जोगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री, फिर होगा। देखिए ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पूरी जानकारी होती नहीं है। योगी जी का अमित शाह का 15 फरवरी को 16 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसभाएं थी, कुर्सियां खाली थी, लोग नहीं थे। आप देखे होंगे ट्विटर पे कि योगी जी जनता इधर मुंह कही है, योगी जी का मुंह इधर है। गलत बोलने को तो बताइएगा, आप मीडिया वाले हैं, ठीक है? आप जो कहेंगे सही कहेंगे, आप जो कहिए कहिए, ठीक है? योगी जी जनता इधर ताक रही है, योगी जी इधर ताक रहे हैं। जो उनका जो ट्विटर हैंडल चलाता है, क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है जो आप सवाल उठाए हैं कि क्या नहीं पूरा किया। अमित शाह बोल रहे हैं किसान भाइयों आपका 5 साल का जो बिजली का बिल है सिंचाई का वो हम माफ करेंगे। 5 साल किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी ना, काहे नहीं कहिए? 2 महीना बच गया है, अभी किसान का याद आ गया, इसके पहले 5 साल में काहे नहीं आया? अखिलेश बोल दिया, ऐलान कर दिया, अपने मैनिफेस्टो बना दिया कि हम ये करेंगे। जो ये कह रहे हैं इनकी बात सुने हैं, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है ना, कह रहे हैं कि इनकी सरकार नहीं बननी चाहिए, इस सरकार में बड़ा दिक्कतें हैं लोगों को, आप क्या कह रहे हैं? ये सरकार देखिए इतना सरकार टाइट है कि सब सही है, सब काम का है। टाइट का मतलब मुख्यमंत्री दबंगई लोफरगिरी किदैती अपराध सब सब माफियाओं का निशाना खत्म हो गया, ये सब सब जीरो है, ये सब जीरो हो गया है योगी जी की सरकार में। अरे अभी ओम प्रकाश राजभर बनारस में शिवपुर में अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे थे, तो भाजपा वाले उनका मुर्दाबाद ये के उल्टा सीधा किए, उनको कालर पकड़े यू किए, तो गुंडागर्दी वो नहीं है? ये गुंडागर्दी नहीं है, वो गुंडागर्दी नहीं था, वो तो
फोकस पानी था वो अपना वोट लेने के लिए। किसी को हमने पकड़ लिया है, किसी का कॉलर पकड़ लिया, प्रेम कहते हैं। प्रेम कहते हैं उसको, मारा पीटा तो नहीं है, कि ये प्रेम कहते हैं। प्रेम में लोग मर जाते हैं, यही ना? नहीं, प्रेम में मर नहीं जाते हैं, झूठा कलंक लगा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। और महंगाई वहंगाई कुछ नहीं है। उपलब्धियाँ 5 साल की उपलब्धियाँ बताइए साहब। 5 साल सब पाँच साल में 5-6 विकास बता दीजिए। 5 देखिए, राम मंदिर बन गया और गरीबों को आवास मिल गया, लैट्रिन मिल गया। आवास मिला है? हाँ, हमको आवास मिला है, लैट्रिन मिला है, 1000 रुपया मिलता है पेंशन। और भैया का कहना है कि देखिए, राम जी का नाम लेते रहिए, भजते रहिए, बिना खाना के 4 दिन जी सकते हैं। नहीं, वहाँ भी खाना मिलता है ना राम मंदिर पे, भंडारा चलता है। और आप क्या कह रहे हैं? इन्होंने राम का नाम लिया कल, मतलब वहाँ कब बताए, 16 तारीख को अरविंद राजभर का पर्चा दाखिल हुआ था वाराणसी में, ओम प्रकाश भी साथ में थे। राम का नाम लेकर के अशब्द बात का प्रयोग किया, जो हमको नहीं करना चाहिए मीडिया के प्रति, ठीक है? वो शब्द का प्रयोग करके, राम का नाम जोड़ करके, जो लोगों ने मतलब वो किया, अशब्द बात का प्रयोग किया। आप भैया कह रहे हैं कि श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लिया जाता है। भगवान का नाम कौन नहीं लेता है भाई? हम भी लेते हैं, जय श्री राम हम भी बोलते हैं। क्या बोलने से हम बीजेपी का थोड़ी हो गए? हमारा जहाँ मान करेगा, हम साथी को दे देंगे, साइकिल को दे देंगे, घोड़ा साहब को देंगे, झाड़ू को दे देंगे। ये तो लोकतंत्र है, सबको राइट है बराबर का। अच्छा, आप भैया कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की ही पुनः सरकार बननी चाहिए, आप क्या कह रहे हैं? हम तो देखिए, हमारा जहाँ तक अनुभव बता रहा है, 90% लोग नहीं चाहते हैं। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का लोग जी, हाँ, केंद्र से लेकर के प्रदेश तक। अच्छा, ये बुलडोजर वगैरह ये सब हवा हवाई है, ये माफियाओं के लिए है। जो अभी डॉक्टर साहब आपने बताया है, वो भूमाफियाओं के लिए है, मगर जो गरीबों पर लागू नहीं होगा, हम जानते हैं। मगर आ गया सवाल कि जो दाजा मतलब उबलेगा, ठीक है? योगी जी बोले थे कि गर्मी शांत कर देंगे, कब बोले थे? डॉक्टर साहब बोल गए ना 10 मार्च के बाद। देखिएगा इसको, अभी 10 मार्च नहीं होगा, 10 मार्च से पहले हो जाए। बोल रहे हैं ऐसा बात, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं, गर्मी शांत होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, जैसे गुंडा गुंडा नहीं, गुंडा जो है लो, गुंडा है, जब छिड़ैती हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बहन बेटी के साथ छेड़खानी हो रहा है, इसको शांत बोलते हैं। ये सब हटाइए। अजब, यह लोगों का बहन बेटी का नाम लिया इन्होंने। ये बताइए, हास का कांड हुआ उन्नाव का, आज तक मतलब दलित की बेटी थी, इंसाफ नहीं मिला। अच्छा भैया, ये जो हाथरस की कहानियां कह रहे हैं, इसके पहले जो सरकार था उसमें होता था ये, ठीक है? अब योगी जी का सरकार है, इसमें नहीं होगा ना कभी होगा, कहीं नहीं हुआ था। हुआ था लेकिन फिर वो पकड़ा गया ना, नहीं उसका जांच लोगों के ऊपर रौंदा गया है, रौंदा गया है, तो उसका जांच चल रहा था। ये भैया कह रहा है जो रौंदा गया है, हम बता रहे हैं जांच चल रहा है, उनको प्रॉपर जानकारी है नहीं। अभी देख लीजिए, भाग गए हों, दिखा दीजिए एक बार कमरा भाई साहब, दिखाइए, वो भाग गए हैं, ठीक है? उनको प्रॉपर जानकारी है नहीं, ठीक है? ठीक है, जो आदमी को जानकारी है वो आदमी कैमरे के साथ आएगा नहीं, जो वही आदमी व्यक्ति आएगा जिसका मतलब आगे का ना पीछे का मुंह नहीं होगा, ठीक है? आप मीडिया वाले हैं, आप देखिए, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया, न्यूज लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। ये दो पक्ष के लोग अपनी अपनी बड़ाइयां किए हैं, किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, अब आने वाले 7 तारीख को आप लोग के द्वारा खुलासा हो जाएगा किसकी सरकार यूपी में बनेगी। थैंक यू।